नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए, मैं आपको ऑपरेशन के बाद की देखभाल की क्रिया बताने वाली हूँ। आंखों की पट्टी निकालने के बाद आपको ड्रॉप शुरू करने होंगे। ड्रॉप डालते समय कैसी सावधानी बरतें ये सुनिए। हाथ साबुन से धोने के बाद ही ड्रॉप डालें। पेशेंट को लिटा के या बिठा के ड्रॉप डालें। अगर पेशेंट बैठा है तो सर को पीछे की तरफ झुकाएं और ड्रॉप डालें। ड्रॉप डालने के लिए आंखों की सिर्फ नीचे की पलक खींचें और दवा डालें। पेशेंट ऊपर देखें। ड्रॉप डालने के बाद बॉटल का कवर उस पे लगाए रखें और बॉटल को उसी डब्बे में रखें। बॉटल को धूप के पास ना रखें। यदि आपको दो ड्रॉप एक साथ डालने हो तो उनमें कम से कम 10 मिनट का अंतर हो। इस चार्ट में ड्रॉप कैसे डालने हैं वो दिया गया है। ये एक नंबर के ड्रॉप के सामने इसे डालने का समय दिया गया है। दिन में कितनी बार डालना है ये इसके आगे दिया है और उसके सामने किस तारीख से किस तारीख तक और कितने दिन डालना है वह दिया गया है। आपको दिन में 5 बार डालना है। उसका टाइमिंग यहाँ ऊपर दिखाया गया है। 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, इस तरह से दिन में 5 बार डालकर अगले हफ्ते में 4 बार डालें। मतलब इस तारीख से इस तारीख तक ये ड्रॉप 4 बार डालें। वही ड्रॉप तीसरे हफ्ते में 3 बार डालें। मतलब इस दिन इस वक्त पर यह ड्रॉप 3 बार डालना है। चौथे हफ्ते में यह ड्रॉप आपको दिन में 2 बार डालना होगा, मतलब सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे। पांचवे हफ्ते में यह ड्रॉप आपको दिन में 1 ही बार डालना है। 5 हफ्ते होने के बाद आपको ये 1 नंबर का ड्रॉप बंद करना होगा। ये 2 नंबर का ड्रॉप आपको दिन में 4 बार डालना है। उसका टाइमिंग सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे व रात 9 बजे है। ये ड्रॉप कम ज्यादा ना करें। पूरे महीने दिन में 4 बार डालें और महीने बाद बंद कर दें। आपको आपके ड्रॉप्स 5 हफ्ते जारी रखने होंगे। यदि बीच में आपके ड्रॉप्स खत्म हो तो आपको वही दवाई की बॉटल वापस लेनी होगी। ऑपरेशन के बाद आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल का इस्तेमाल करें। काला या सफेद दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रंग का कोई महत्व नहीं है, ये केवल सुरक्षा के लिए होता है। चश्मा लगाते समय गलती से आंखों पर ना लगे इसलिए ऊपर से लगाकर कानों पर। दोपहर या रात को सोते समय आंखों पर कवर यानी शील्ड लगाएं। कैसे लगाया जाए यह आपको इस वीडियो में दिखाया है। इसके अंदर रुई, रुमाल या कुछ ना रखें, केवल यह शील्ड लगाएं। फूल से आंखों में उंगली ना जाए इस कारण यह शील्ड लगाई जाती है। ऊपर की पट्टी रोज बदलें, इसलिए माइक्रोपोर टेप आपको दी गई है। यदि आंखों से पानी आए तो आप साफ रुमाल से, रुई से या टिश्यू से पोंछ सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें कि आप आंखों को ना दबाएं। आप अपना चेहरा गीले कपड़े से या साबुन के पानी से पोंछ सकते हैं, लेकिन आंखों के अंदर पानी ना जाए यह ख्याल रखें। ड्रॉप डालने के बाद यदि आंखों के आसपास चिपचिपाहट हो तो साफ रुमाल से या रुई से उबाले हुए पानी या गुनगुने पानी से साफ करें, लेकिन आंखों के अंदर पानी ना जा पाए उसका ख्याल रखें। ध्यान रखें कि आंखों को दबाए या मसले नहीं और गंदे कपड़े या हाथ या उंगली से आंखों को ना छुए। ऑपरेशन के बाद आप आपका रोज का खाना खा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद खाने पर कोई परहेज नहीं है। यदि डायबिटीज हो तो उसके बंधन पालें।
खाना पकाना, पढ़ना, टीवी देखना यह ऑपरेशन के 5 दिन बाद आप शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद अक्सर 7 से 10 दिन तक ऑपरेशन वाली आंख की तरफ ना सोए, पीठ पर या दूसरी तरफ सोए। सिर पर नहाना आप ऑपरेशन के 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं। गर्दन के नीचे से स्नान आप ऑपरेशन के दिन से ही कर सकते हैं। सर पर तेल ऑपरेशन के 8 से 10 दिन बाद ही लगाएं। ऑपरेशन के 2 दिन बाद से ही आप सुबह या शाम को बाहर टहलने जा सकते हैं व 1 सप्ताह में काम पर भी जा सकते हैं, परंतु यदि आप पूरे दिन घर के बाहर हैं तो साथ में ड्रॉप ले जाना ना भूलें। आंख से पानी आना, आंख थोड़ी लाल होना, आंख में चुभन और थोड़ा धुंधला दिखना ऑपरेशन के कुछ दिन बाद तक होगा। 7 से 10 दिन बाद नजर साफ होगी। यदि आंख बहुत लाल हो या आंख से अधिक पानी आए या दर्द हो तो तुरंत चेकिंग के लिए आए, अन्यथा आपको जो फॉलोअप की डेट दी गई है उसके हिसाब से आए। आमतौर पर ऑपरेशन के 10 से 15 दिन बाद आपको चश्मे का नंबर दिया जाएगा। आपको चश्मा 24 घंटे लगाने की जरूरत नहीं होगी, पर पढ़ने या टीवी देखने के लिए चश्मे का उपयोग करना होगा। तब तक गॉगल का इस्तेमाल करें। ऑपरेशन के 20 से 25 दिन बाद तक भारी सामान ना उठाएं और सर्दी, कॉन्स्टिपेशन या खांसी हो तो फौरन उनकी दवाइयां लेकर इलाज करें। धन्यवाद।